ठीक है, ओके, डन, सभी सर। आदमी। चलिए, अब यहां पर बताया था दूसरा मैंने क्या बोला था कि आप किसी भी कांस्टेंट की डायमेंशन, जैसे जी की डायमेंशन, कांस्टेंट की डायमेंशन, किसी के भी कांस्टेंट की डायमेंशन को आप फाइंड आउट कर सकते हो, है ना। तो सेकंड यूज मैंने बताया था टू फाइंड द, क्या बताया था, टू फाइंड डायमेंशन ऑफ फिजिकल कांस्टेंट। किसी भी फिजिकल कांस्टेंट का आप डायमेंशन क्या कर सकते हो, फाइंड कर। थर्ड यूज क्या बताया था, किसी भी फिजिकल रिलेशन को करेक्ट चेक कर सकते हो। करेक्ट का मतलब क्या होता है बेटा, कि राइट साइड मैंने लिया था और लेफ्ट साइड मैंने लिया था और दोनों तरफ का डायमेंशन मैंने निकाला था। इसमें हमने क्या यूज किया था, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, और प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को मैंने क्या बोला था कि हर टर्म्स की डायमेंशन क्या होती है, सेम होती है। और मैंने ये भी बोला था कि अगर किसी भी दो टर्म्स को आप सब्ट्रैक्ट करो या एड करो तो पक्का है कि उसकी डायमेंशन सेम है कि नहीं, यही बताया था ना, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो नेक्स्ट मैंने बताया था टू चेक द करेक्टनेस ऑफ अ गिवन इक्वेशन। एक इक्वेशन के करेक्टनेस को मैं क्या कर सकता हूं, चेक कर सकता हूं कि भैया ये करेक्ट है या नहीं है, ठीक है ना। फोर्थ नंबर यूज मैंने क्या बताया था, टू कन्वर्ट वन यूनिट टू अनदर यूनिट। जैसे मैंने न्यूटन को डाइन में कन्वर्ट किया था, मैंने आपको एक ये भी दिया था होमवर्क कि भैया आप जूल को अर्ग में कन्वर्ट करो। एनर्जी की यूनिट या वर्क यूनिट क्या होती है, जूल होती है। तो मैंने दिया था, आप लोग किए हो कि नहीं किए होमवर्क को, यस सर, 10 to the power 7 अर्ग आया था, 7 अर्ग आया है ना। तो क्या कर सकते हो आप, टू कन्वर्ट वन सिस्टम ऑफ यूनिट्स इनटू अनदर सिस्टम। फिफ्थ नंबर मैंने डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला, मतलब आपको अगर दिया रहे कि ये मान लो कि एक फिजिकल क्वांटिटी इन इन फैक्टर्स पर डिपेंड कर रहा है, तो आप उसका फॉर्मूला उसके टर्म्स में डिराइव कर सकते हो, है ना। तो सेकंड क्या हो जाएगा, डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला। जैसे टी इज इक्वल टू 2π√L/g, आपको दिया कि भाई एल पे डिपेंड कर रहा है, जी पे डिपेंड कर रहा है, तो आप उसका फॉर्मूला दोनों साइड के डायमेंशन को क्या करते हो, इक्वेट कर रहे हो, और एबीसी का वैल्यू मैंने निकाला था, तो आप क्या निकाले थे, डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला। ये मैंने प्रीवियस क्लास में यहां तक हमने डिस्कस किया था। आज का जो हमारा डिस्कशन है वो ये है, मैंने उसके बेस्ड, यहां तक समझ में आ गया था सभी लोग को डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला, ये चीज तो समझ। किसी भी क्वांटिटी का आप डायमेंशन निकाल सकते हो, बेसिकली डायमेंशन के लिए घबराना नहीं। अगर आपको फॉर्मूला याद है, जैसे आपको वर्क का फॉर्मूला याद है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो आप फोर्स का डायमेंशन और डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन निकाल सकते हो। तो अगर हमको फॉर्मूला याद है तो हम डायमेंशन भी क्या कर सकते हैं, किसी भी क्वांटिटी का निकाल सकते हैं। यहां पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ये इस साल का क्वेश्चन है 2023 का 11th अप्रैल। आपको पता है जेईई मेंस का जब एग्जाम होता है तो हर मतलब पार्ट वाइज पार्ट होता है, कई सारे सेशन होते हैं। तो जेईई मेन 2023 11th अप्रैल इवनिंग सेशन में क्वेश्चन आया था, इफ एफ फोर्स, यानी एफ क्या दिया, फोर्स, वी क्या दिया, वेलोसिटी, एंड टी दिया है टाइम, अगर इनको हमको फंडामेंटल यूनिट कंसिडर करना है। फंडामेंटल यूनिट का मतलब, जैसे आप फंडामेंटल यूनिट क्या मानते हो, मास, लेंथ, टाइम, टेम्प केल्विन, है ना, ये सारे को फंडामेंटल लेते हो। अब वो कह रहे कि भैया उसको फंडामेंटल ना मान के आप फोर्स को फंडामेंटल मानो, टाइम को फंडामेंटल मानो, और किसको फंडामेंटल मानो, वेलोसिटी को फंडामेंटल मान के एक्सीलरेशन करना है, डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है। किसका डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है, डेंसिटी का। भैया डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, बताओगे कोई आदमी, मास बाय वॉल्यूम। तो मास बाय वॉल्यूम, तो अगर मैं डेंसिटी का डायमेंशन निकालूं तो मास का क्या लिखोगे, डायमेंशन m, और वॉल्यूम का डायमेंशन क्या लिखोगे बेटा, l क्यूब। यस सर। तो यहां पर क्या हो जाएगा बेटा, m l माइनस 3, ये किसका डायमेंशन आ गया मेरा, वॉल्यूम का। अब कह रहा है कि जो डेंसिटी है वो डिपेंड कर रही है किन चीजों पर, डिपेंड कर रही है तीन फैक्टर पर डिपेंड कर रही है। किस पर डिपेंड कर रही है, फोर्स पर, और किस पर डिपेंड कर रही है बेटा, वेलोसिटी पर, और किस पर डिपेंड कर रही है बताओ, टाइम। ये तीन को आपको मानना है, तीन को फंडामेंटल यूनिट्स मानना है मेरे को, ठीक है, डन है, क्लियर है यहां तक। अब देखो मैं कैसे करूंगा, ये डेंसिटी है, फोर्स का डायमेंशन, फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, एम एल टी, टी कितना होता है, माइनस वन ना, अरे समझ रहे हो भाई, हाँ या ना, यस सर। उसके बाद वेलोसिटी का क्या होता है बेटा, एल टी माइनस वन, और टाइम का क्या हो जाएगा सर, टी। ये डायमेंशन मिली। अब वो कह रहा है
कि डेंसिटी जो है, समझना क्वेश्चन को इसको, इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आते हैं, कह रहा है कि डेंसिटी जो है वो तीन चीजों पर डिपेंड कर रहा है, मतलब तीन को आप फंडामेंटल मानना है, फोर्स को, वेलोसिटी को और टाइम। तो भाई ये तो कह रहा है कि डेंसिटी जो है वो तीन चीजों पर डिपेंड कर रहा है, एक डिपेंड कर रहा है हमारे फोर्स पर, एक डिपेंड कर रहा है हमारे वेलोसिटी पर, एक डिपेंड कर रहा है हमारे वो टाइम पर, लेकिन मुझे नहीं पता कि कितने पावर पर डिपेंड कर रहा है। वेलोसिटी का स्क्वायर, सॉरी फोर्स का स्क्वायर भी हो सकता है, फोर्स का माइनस वन भी हो सकता है। वो तो कह रहा है कि भैया डिपेंड कर रहा है, अब डिपेंड में मेरे को नहीं पता भाई फोर्स पे कितने टाइम्स डिपेंड कर रहा है, डेंसिटी नहीं पता मेरे, तो मेरे को नहीं पता तो मैं क्या करूंगा, लेट करूंगा। तो मैं मान लेता हूं कि फोर्स पे ए पावर, वेलोसिटी पे बी पावर और टी पे सी पावर। बस समझ गए यहां तक कि नहीं समझ गए आप लोग? उसको ले लेना है, मुझे नहीं पता कि कितने टाइम्स पर डिपेंड कर रहा है, वो स्क्वायर पर डिपेंड कर रहा है, क्यूब पर डिपेंड कर रहा है, कि फोर्स के पावर वन पर डिपेंड कर रहा है, हमको नहीं पता। हमको सिर्फ बोला कि हाँ, हमको इतना क्वेश्चन में कह रहा है कि भैया फोर्स, वेलोसिटी और टाइम पर डेंसिटी डिपेंड कर रहा है, लेकिन कितने टाइम डिपेंड कर रहा है ये नहीं पता। तो भाई नहीं पता तो मैं उसको एबीसी मान लूंगा, यहां तक तो क्लियर है। अब देखो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी लगाओ, तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है, क्या कहता है कि इस साइड का डायमेंशन और इस साइड का डायमेंशन बराबर होगा कि नहीं होगा भाई? इक्वेशन अगर करेक्ट तो होना पड़ेगा, डायमेंशन है तो इक्वेशन को करेक्ट होना पड़ेगा, अदरवाइज आप ले ही नहीं सकते। तो भैया ये डायमेंशन और ये डायमेंशन बराबर होगा, तो दोनों साइड के मैं डायमेंशन को क्या कर रहा हूँ, इक्वेट कर दे रहा हूँ। अब दोनों साइड के डायमेंशन को मैं इक्वेट करूंगा तो डेंसिटी का डायमेंशन मेरा क्या आया है, एम एल माइनस की माइनस थ्री इज इक्वल टू फोर्स। फोर्स पे पावर ए है, मुझे नहीं पता अभी, तो फोर्स पे पावर ए है तो मैं क्या लिखूंगा, फोर्स का वैल्यू कितना है, एम एल टी माइनस वन। सर हाँ बोलिए बेटा। सर वो मेरा बारिश की वजह से नेटवर्क इश्यू था, फिर मैं थोड़ा लेट फाइंडिंग मेरी अटेंडेंस लगा दूंगा अटेंडेंस। यहां पर देख लीजिए, ये पावर पे ए, फोर्स पे ए पर टाइम, वेलोसिटी का कितना है एल टी माइनस वन, वेलोसिटी पे कितना बी टाइम्स, टाइम पे कितना है सी टाइम्स। डन है बेटा? यस सर। ये सबकी डायमेंशन लिख दी। अब देखो ये कितना हो जाएगा, एम एल माइनस थ्री, और ये कितना हो जाएगा बेटा, एम पर कितना पावर हो जाएगा ए, एल पे पावर ए, टी पे पावर माइनस ए। फिर इसको भी तोड़ लो, एक तो ये हो गया, इसको भी तोड़ो, एल पे पावर बी, टी पे पावर माइनस बी, और फिर क्या हो जाएगा, टी पे पावर सी। डन, सही है ना? यस सर। अब देखो ये कितना हो जाएगा, एम एल माइनस थ्री इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एम पे पावर ए, एल देखो कितना है, एल एक ये भी है और एक ये भी है, तो एल पे पावर कितना हो जाएगा फाइनली, ए प्लस बी, ए बी, ठीक है ना। अच्छा टी पे पावर कितना हो जाएगा, टी देखो तीन जगह है, माइनस ए, माइनस बी, प्लस सी, सही है? यस सर। क्लियर कि नहीं क्लियर? अब इक्वेट, दोनों साइड इक्वेट करो जरा, तो इधर एम पे पावर कितना है, लेफ्ट साइड वन, इधर एम पे पावर कितना है, एम ए है, यहां देखो यहां एम पे पावर वन है, इधर क्या है, एम ए है। तो अगर दोनों साइड के डायमेंशन को मैं इक्वेट करूं तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ए बराबर कितना हो जाएगा बेटा, वन। अगर इधर वन है तो राइट साइड भी वन ही रहेगा, तो ए पे पावर वन हो गया, अब आ गया। अब देखो दूसरा मेरा क्या आ जाएगा, ए प्लस बी, एल पे पावर ए प्लस बी है, ए प्लस बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस थ्री, ए प्लस बी इज इक्वल टू माइनस थ्री है, अभी मेरे को नहीं पता। अब यहां देखो टी पे पावर इधर कितना है, लेफ्ट साइड जीरो, तो यहाँ कितना माइनस ए माइनस बी प्लस सी, इस पे वैल्यू कितना हो जाएगी जीरो, तो सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, सी इज इक्वल टू हो जाएगा ए प्लस बी, उधर लेके जाओगे तो। यस सर। अब देखो यहाँ ए प्लस बी की वैल्यू दी हुई है यहाँ पे, ए प्लस बी की वैल्यू कितने दी है, माइनस थ्री, तो सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, माइनस थ्री। अब सी की वैल्यू भी आ गई, ए की वैल्यू भी आ गई, तो सी इज इक्वल टू ए, बी बी की नहीं आई है तो बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, सी माइनस, सी माइनस ए हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा माइनस थ्री, और ए की वैल्यू कितनी है प्लस वन, तो सी इज इक्वल बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस टू। अब तीनों की आ गई, अब मैंने डेंसिटी इज इक्वल टू क्या लिखा था, एफ पे पावर ए, वी पे पावर बी, टी पे पावर सी, तो डी माइनस ए किया है ना आपने, सर आपने सी माइनस ए किया है तो बी निकाल रहा हूं ना मैं, तो सर माइनस थ्री प्लस वन क्यों कर दिया आपने, ए की वैल्यू प्लस वन ही है ना। अच्छा हाँ हाँ सही बोल लो, सही है सही है सही,
यहाँ कितना, सही बोल रहे बेटा, माइनस है ना, तो -3 -1 यानी -4 हो जाएगा, ठीक है। अब सही है बेटा। अब यहाँ पे कितना, एफ की वैल्यू, ए की वैल्यू देख लो 1, वी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वी इंटू पावर बी, बी की वैल्यू कितना है -4, और टी इंटू पावर सी, सी की वैल्यू कितना हो जाएगा -3, दैट इज द डायमेंशन ऑफ डेंसिटी। तो ऑप्शन नंबर देख लीजिए कौन हो जाएगा, एफ वी -4 टी -3, इसमें ऑप्शन ही नहीं है, टी -3 ही आएगा ना। सी की वैल्यू, सी -6 सी -6 आएगा, नो सर, -3। -3 आएगा। ये हो सकता है गलत लिखा गया हो, यहाँ पे मैं चेक कर लेता हूँ, यहाँ पे -3 होना चाहिए, ठीक है, -6 नहीं आएगा ना, क्लियर है ना, देख लो एक बार, टी पे पावर एफ एल, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पर मेरा गलती आ गया बेटा, यहाँ पर हमको -2 लेना चाहिए था ना टी का, -2 हो गया, तो यहाँ कितना हो जाएगा, समझ रहे हो ना, समझे नहीं सर, यस वो गलती से -1 लिखा गया था, देखो एक गलती से कितना चला, -2 होना चाहिए, तो यहाँ हो जाएगा आपका -2a। अब ये कितना हो जाएगा, -2a, सही है ना, अब ये कितना हो जाएगा, t0 है ना, तो -2a, सॉरी ए प्लस बी तो ठीक ही है, -2a, तो सी इज इक्वल टू +2a, यहां से मिटा देता हूँ, यहां तक समझ गए आप लोग कि नहीं समझे, कि फिर से बताऊं, यहां सर, समझ गए। पर t -2 होना चाहिए था, गलती से वो -1 लिखा गया, तो -2, तो यहां पर -2 हो गया, तो -2a यहां पर आ जाएगा बेटा, यहां पर -2 होगा तो -2a आ जाएगा यहां पर, फिर यहां पर मेरा क्या हो गया, ए इज इक्वल टू, ठीक है ये तो सही है, एम का पावर तो सही है, तो एम इज इक्वल टू ए हो गया, फिर ए प्लस बी एल का वो -3 हो जाएगा बेटा, लेकिन यहां पर हमको टी की क्या रखनी होगी, -2 रखनी होगी, -2 -b और +c। अब यहां पर देख लो, यहां पर सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, 2a प्लस बी हो जाएगा, उधर लेके जाओ तो 2a प्लस बी हो जाएगा, सही है ना। अब सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 इंटू 1, ठीक है, अच्छा ए की वैल्यू नहीं पता मेरे को, बी की वैल्यू, अच्छा 2 इंटू 1 हो गया, अब प्लस कितना हो जाएगा बेटा, चलो यहां से निकाल देता हूं मैं, यहां पे देखो ए प्लस बी इज इक्वल टू कितना आ रहा है, यहां से देखो ए प्लस बी इज इक्वल टू, सर तो 1 प्लस बी इज इक्वल टू -3, तो बी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा, -4, वो 1 उधर जाएगा, तो सही है ना, अरे हाँ है ना, बोलो। यस अब यहां पर कितना हो जाएगा बेटा, माइनस सर माइनस बी प्लस सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0, तो सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2a प्लस bc, तो ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू 1, वन अब बी की वैल्यू कितनी है, -4 माइनस का -4 इज इक्वल टू -2, तो आंसर हमारा फाइनली क्या हो जाएगा बेटा, एफ इज इक्वल टू, सॉरी एफ नहीं ना, डेंसिटी, डेंसिटी इज इक्वल टू हो जाएगा एफ पे पावर ए, तो एफ पे पावर 1, और वी पे पावर बी, तो बी पे पावर -4, और टी पे पावर -c, तो -2, दैट इज आवर डायमेंशन, एफ 1 वी -4 टी -2, अब कितना आ गया, एफ 1 वी -4 टी -2, यानी ऑप्शन नंबर कितना आ जाएगा बेटा, ऑप्शन ए डी ना, डी ओके डन, यस सर ओके बेटा लास्ट में, ठीक ना, देखो एक तुम्हारा गलती हो गया तो आंसर मैच नहीं गया, टी एफ एफ इज इक्वल टू MLT -2 होगा, यहां तक कोई दिक्कत, ऐसे फॉर्मूला सर बना सकते हो, डिपेंडेंसी वाला फॉर्मूला अक्सर एग्जाम में आता है, तो ऐसे आप बना सकते हो। नेक्स्ट हमारा क्या है, ये देखो, ये भी क्वेश्चन एक दिया हुआ है, थोड़ा मैं बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको क्वेश्चन दिख जाए, यहाँ पर जैसे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था, और प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी मैंने बताया था कि एक्स प्लस टू इज इक्वल टू, अगर मान लो, सॉरी एक्स प्लस टू नहीं करो, एक्स इज इक्वल टू
मान लो कि मेरे को कुछ दिया है वाई प्लस जेड बाई डब्ल्यू प्लस बी, तो मैंने कहा जो इसका डायमेंशन होगा वही इसका होगा, वही इसका होगा, वही इसका होगा, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी आप लगाए थे, तो इस पर बेस्ड तो क्वेश्चन आप कर लिए थे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर एक रिलेशन मेरे को दिया है और रिलेशन में कह रहा है कि पी इज इक्वल टू, हमको क्वेश्चन में क्या दिया है, पी इज इक्वल टू, और वो दिया अल्फा बाई बीटा, और एक्सपोनेंट पे पावर दिया है, और एक्सपोनेंट पे पावर दिया माइनस अल्फा जेड बाई के इंटू थीटा, जहां पे सब चीज आपको दिया हुआ है। वो कह रहा है कि जेड क्या है, डिस्टेंस है, यानी जेड इज डिस्टेंस, तो जेड की डायमेंशन कितनी हो जाएगी, एल, जेड की डायमेंशन एल हो जाएगी ना, जेड डिस्टेंस है तो। यस सर। उसके बाद में कह रहा है के जो है वो टेम्परेचर yes, है, तो के तो टेम सॉरी के जो है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, के जो है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, तो एक्चुअली बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इज इक्वल टू होता है एनर्जी बाय टेम्परेचर, एनर्जी बाय टेम्परेचर, तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की अगर डायमेंशन आपको लिखना होगा तो के इज इक्वल टू क्या होगा, एनर्जी की डायमेंशन कोई बता सकता है, कैन एनीबॉडी टेल मी द एनर्जी, जो वर्क का डायमेंशन होता है वही एनर्जी का होगा। देखिए डायमेंशन तो आपको कुछ कुछ क्वांटिटीज का याद रखना पड़ेगा, नहीं तो आप क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाओगे। एल स्क्वायर टी माइनस टू, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू डिवाइड करोगे केल्विन से, टेम्परेचर से, तो इसका फाइनल डायमेंशन क्या हो जाएगा, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू के माइनस वन हो जाएगा ना, के ऊपर जाएगा तो माइनस वन हो जाएगा, ये आ गया। उसके बाद थीटा कह रहा है टेम्परेचर है, तो थीटा का डायमेंशन क्या हो जाएगा, केल्विन, तो कह रहा है आपको अल्फा था निकालिए, नहीं सॉरी अल्फा नहीं बीटा का निकालने के लिए कह रहा है कि बीटा का डायमेंशन निकालिए। तो यहाँ ठीक है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी तो लगाओगे, लेकिन यहाँ पर एक्सपोनेंट टर्म दिया हुआ है, एक्सपोनेंट टर्म। तो अच्छा एक बात मैंने बताया था आपको, डायमेंशन लेस कॉन्स्टेंट, अगर कोई भी वैल्यू कॉन्स्टेंट है, जैसे कोई वैल्यू अगर वन है, कोई वैल्यू अगर वन है, कोई वैल्यू अगर टू है, कोई वैल्यू अगर पचास है, कोई वैल्यू अगर सौ है, तो इसका डायमेंशन कितना होगा, किसी भी कॉन्स्टेंट क्वांटिटी का डायमेंशन कितना होता है, जीरो सर, नहीं होता, नहीं होता, कोई भी कॉन्स्टेंट क्वांटिटी अगर होती है तो उसकी डायमेंशन नहीं होती है, उसकी डायमेंशन होती है जीरो। तो यहां पर कोई भी कांस्टेंट क्वांटिटी होगा तो उसका डायमेंशन नहीं होगा। तो एक्सपोनेंशियल जो टर्म होती है ना, एक्सपोनेंट पे अगर कोई भी पावर रहता है तो उसकी वैल्यू कोई ना कोई कांस्टेंट ही आएगी, यानी एक्सपोनेंट पे अगर कोई पावर होगा तो उस वो कोई कांस्टेंट वैल्यू ही होगा। यानी ये वाली जो क्वांटिटी है आपकी, इसकी डायमेंशन कितनी होगी, जीरो, जीरो। कभी भी एक्सपोनेंट पे कोई पावर अगर है तो इसकी डायमेंशन क्या होगी, जीरो। यानी आपको हाँ कभी भी है, जैसे मैं आपको बोलूं ई पे पावर एक्स बाई वाई, एक्स बाई वाई का कोई डायमेंशन नहीं होगा, पूरा पूरा मिलाकर इंडिविजुअल हो सकता है, यानी ये सब मिलाकर कोई डायमेंशन नहीं होगा, क्योंकि ई पे पावर कोई ना कोई कॉन्स्टेंट होगा, पूरा उसका जो पूरा टर्म वैल्यू आएगा वो एक कॉन्स्टेंट के टर्म्स में, तो यानी वो डायमेंशन लेस होगा। यानी आप यहां पर कह सकते हो कि अल्फा जेड बाई के थीटा, माइनस का कोई मतलब नहीं, यानी ये क्या हो जाएगा बेटा, डायमेंशनलेस। यहां तक समझ में आएंगे, यानी अल्फा यानी इसका डायमेंशन डिवाइडेड बाई इसका, दो सब कट जाएगा, विद बात समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो, ऊपर नीचे पूरा इंडिविजुअल डायमेंशन होगा। जैसे मैं कहूं एक्स बाई वाई, ये डायमेंशनलेस है, तो जो एक्स का डायमेंशन होगा वही वाई का होगा, मान लो एक्स का डायमेंशन एल है तो वाई का डायमेंशन भी एल होगा, तभी कटेगा, तभी जीरो आएगा फाइनली। तो इसका मतलब कि डायमेंशनलेस अगर क्वांटिटी में बोल रहा हूं तो डायमेंशनलेस का मतलब क्या हो गया कि भैया ऊपर नीचे सेम क्वांटिटी है, या आप एम जीरो एल जीरो टी जीरो पुट करो तो थोड़ा लंबा जाएगा ही, आपको वैसे नहीं करना, आपको इतना पता चल गया कि अल्फा जेड बाई के थीटा ये मेरा क्या हो जाएगा, डायमेंशनलेस हो जाएगा। इसका मतलब कि जो डायमेंशन अल्फा जेड की होगी वही डायमेंशन के ठिट्टा की होगी, डन ना, समझ में आ रहा है यहां तक आप लोगों को, ऊपर नीचे सेम डायमेंशन, देन इट विल बी कट एंड ओवरऑल द डायमेंशन इज जीरो, ठीक है। अब मेरे को पता लग जाएगा, अब मैं अल्फा की वैल्यू यहां से निकाल सकता हूं, कैसे, अब मेरे को अल्फा का नहीं पता, यानी अल्फा का अगर डायमेंशन आपको निकालना होगा तो आपको रखना होगा के ठिट्टा डिवाइडेड बाई जेड, इस दोनों का डायमेंशन लगा तो आपको अल्फा का डायमेंशन आ जाएगा। अब देखो के का डायमेंशन मैंने ऊपर लिखा हुआ है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का, m l स्क्वायर t माइनस 2 इनटू केल्विन इनवर्स, तो यहां क्या हो जाएगा, m l स्क्वायर t माइनस 2 केल्विन इनवर्स डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, इनटू, अच्छा इनटू ये क्या, थीटा क्या, टेंपरेचर है, थीटा इज द टेंपरेचर, क्योंकि t इसलिए नहीं लिखा है, केल्विन भी लिखा जा सकता है लेकिन यहां पे वो टेंपरेचर लिखा हुआ, तो टेंपरेचर का क्या होता है केल्विन, ठीक है, पता है टेंपरेचर, थीटा इज द टेंपरेचर बोल रहा हूं, तो क्या z का क्या हो जाएगा बेटा, लेंथ,
डिस्टेंस, जेड का एल हो जाएगा जेड डिस्टेंस। अब यहां पर कटा दो आप, कटाओगे तो कितना आएगा बेटा बताओ। देखो एक एल से एक एल कट गया, इस के से एक एल के प्लस वन है, के माइनस वन है। देखो यहां पर मैं पीछे करो, देखो इस के से एक एक कट जाएगा। अब यहां तक समझ में आएगा? तो फाइनली इसका जो डायमेंशन आया वो कितना आया, एम एल, एक एल बच गया, टी माइनस टू, माइनस ये है ना फाइनल अल्फा का डायमेंशन इतना है। लेकिन सामने वाला हमसे कह रहा है द डायमेंशन ऑफ बीटा इज, डायमेंशन ऑफ बीटा इज, हमको बीटा की डायमेंशन निकालो। तो जो प्रेशर की डायमेंशन होगी वही अल्फा बाई प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी अगर लगाओगे तो भैया ये वाला, ये देखो बड़ा करो मैं, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी लगाओगे तो ये वाला डायमेंशन तो डायमेंशन लेस है, इसका मतलब प्रेशर की जो डायमेंशन होगी वो अल्फा और बीटा की डायमेंशन होगी, होगी कि नहीं होगी भाई। प्रेशर की डायमेंशन यस अल्फा और बीटा की डायमेंशन, क्योंकि भाई जो डायमेंशन इस साइड होगा वही डायमेंशन इस साइड भी होगा, ये तो। अब इसकी तो डायमेंशन ओवरऑल होगी नहीं, तो इसका डायमेंशन इसके डायमेंशन के बराबर होगा, यानी जो डायमेंशन आपका प्रेशर का होगा वही डायमेंशन आपका इसका होगा। तो प्रेशर का डायमेंशन बराबर क्या हो जाएगा, अल्फा का डायमेंशन डिवाइडेड बाय बीटा का डायमेंशन। अब बीटा का डायमेंशन कितना हो जाएगा बताओ, अल्फा का डायमेंशन डिवाइडेड बाय प्रेशर अपॉन पी का डायमेंशन, ठीक है ना। अब यहां पर आपको बीटा का डायमेंशन जब निकालोगे तो अल्फा का डायमेंशन यहां मेरे को आ चुका है, वो कितना है, एम एल टी माइनस टू डिवाइडेड बाई मेरे को प्रेशर का डायमेंशन निकालना है। तो प्रेशर का डायमेंशन हम कैसे निकालेंगे, साइड में निकाल देंगे। क्यों, कैसे निकालेंगे, क्योंकि प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, फोर्स फोर्स बाय एरिया बाई एरिया। तो फोर्स का डायमेंशन अभी मैंने लिखा था एम एल टी माइनस टू, और एरिया का कितना हो जाएगा, एल स्क्वायर, सही है ना। यस सर अब एक एल से एक एल यहां कट जाएगा तो प्रेशर का डायमेंशन क्या हो जाएगा, एम एल माइनस वन टी माइनस वन। तो यहां पर क्या हो जाएगा, अब डिवाइड करोगे यहां पर, ठीक है ना, सर क्या टी में करोगे, माइनस टू होगा ना, टी हाँ हाँ माइनस टू, तो माइनस टू होगा। ठीक कितना हो गया बेटा माइनस टू। तो प्रेशर का डायमेंशन रख दो तो बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहां रख दो एम एल माइनस वन टी माइनस टू, सही है ना। अब क्या हो जाएगा बेटा, एम से एम गल लो, क्लास होगा ना, उसके बाद टी इज माइनस टू से माइनस टू गया, एल ऊपर है और नीचे एल माइनस वन है, तो ऊपर जाएगा तो प्लस वन हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, एल इंटू एल, क्या बच गया बेटा, एल स्क्वायर। फाइनली अगर मैं लिखूंगा तो बीटा का डायमेंशन हो जाएगा एम जीरो एल स्क्वायर टी जीरो। आगे बात समझ में कि नहीं आई, कंपोनेंट पर अगर यस कोई भी पावर दिया हुआ है तो उसका डायमेंशन हमेशा कितना होगा, जीरो होगा। एक्सपोनेंट पर अगर कोई भी पावर, जैसे मान लो मैं ई पे पावर एक्स बाई वाई इंटू जेड लिखू तो ये डायमेंशनलेस कांस्टेंट, और प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी मेरे को लगाना है, ठीक है, चलेगा, समझ में आ गया आप लोगों को। क्वेश्चन अल्फा जो है सर, ये अल्फा क्वेश्चन, इक्वल टू के थीटा अपॉन जेड कैसे आया था, ये चीज बता दो सर। बोलिए क्या बोल रहे हैं, आयुष बोल रहे हैं क्या, सर मैं कृष्णा बोल रहा था। कृष्णा, कृष्णा बोल रहे हो, कृष्णा बेटा देखो यहां पर मैं क्या बोल रहा हूं कि ये डायमेंशनलेस कांस्टेंट है, ये जो एक्सपोनेंट पे जो पावर दिया रहेगा ना उसकी कोई डायमेंशन नहीं हुई, क्योंकि वो हमेशा एक कांस्टेंट वैल्यू आएगा। ई पे मैं कोई भी पावर दूं वो हमेशा एक कांस्टेंट वैल्यू आएगा, हमेशा, जैसे ई पे मैं कोई भी पावर लिखूं इसकी डायमेंशन नहीं, क्योंकि इज इक्वल टू कोई ना कोई कांस्टेंट ही आएगा। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे आप लोग, तो उसकी कोई डायमेंशन नहीं होगी। अब उसकी कोई डायमेंशन नहीं होने का मतलब क्या हो गया, कि जो डायमेंशन इसका है वही डायमेंशन इसका है, ऊपर नीचे सेम डायमेंशन होगा ना कृष्णा। यस सर, तो मैंने क्या लिखा कि जो अल्फा जेड का डायमेंशन होगा वही के थीटा का डायमेंशन होगा। भाई अगर मैं कहूं एक्स बाई वाई फाइनल डायमेंशन जीरो है, तो डायमेंशन जीरो का मतलब कि जो इसका डायमेंशन है वही डायमेंशन इसका भी है, तभी ना कट गया वो, ओके सर समझ आया। समझ आ गया ना अब। हाँ आयुष बोलिए बेटा, या आप ज्यादा कंफ्यूज होता आप ऐसे लिख सकते हो, अल्फा जेड बाई के थीटा इज इक्वल टू एम जीरो एल जीरो टी जीरो, तो ज्यादा टाइम लगेगा, उसलिए बेटर है कि ऊपर वाली वैल्यू को नीचे वाली डायमेंशन के साथ बराबर कर दो, वो कट जाएगा यानी जीरो आ जाएगा। अगर ऊपर वाली डायमेंशन के बराबर, जैसे एल ऊपर भी एल दिया हुआ डायमेंशन नीचे भी एल दिया हुआ है, कट गया, फाइनली क्या आ गया, एल जीरो आ गया, मतलब डायमेंशन लेस हो गया, ठीक है ना।
ओके कृष्णा, समझ में आ गया? कोई और को डाउट? क्या बोला है? के की वैल्यू, के का फॉर्मूला होता है बेटा के, एक वो आई आएगा आपका बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट कांस्टेंट है क्या ई क्या बोल रहे हो? सर? ई एक्सपोनेंशियल टर्म है, तो मैथ में ई पे कोई पावर होता है ना, उसका रिजल्ट कांस्टेंट ही आएगा। जैसे ई पे इंफिनिटी मान लो, इसका कोई ना कोई रिजल्ट जो आएगा वो, जैसे ई पे इंफिनिटी जीरो, तो रिजल्ट जो आ रहा है ना, ई पे कोई भी पावर रहे, जो फाइनल वैल्यू आएगी वो कांस्टेंट आएगी। तो भाई किसी भी, जैसे मैं बोलूं एक्स इज इक्वल टू वन, इसका मतलब एक्स डायमेंशनलेस, क्योंकि वन है, वन की कोई डायमेंशन, कोई भी कांस्टेंट वैल्यू को जो डायमेंशन होती नहीं, तो एक्सपोनेंट पर एक्सपोनेंट, जैसे ई पे पावर एक्स में लिख रहा हूँ या ई पे पावर में एक्स वाई लिख रहा हूँ, तो फाइनल जो इसका रिजल्ट आएगा वो कोई ना कोई कॉन्स्टेंट वैल्यू वैल्यू ही होगा। अब समझ में बात आ रही है ना? हमेशा एक्सपोनेंट पे, आप सिंपल ये फंडा समझ लो, एक ही फंडा समझ लो कि एक्सपोनेंट पे अगर कोई पावर रहेगा तो उसका कोई डायमेंशन नहीं होगा, बस बात को, दैट्स इट। समझ गया ना? अरे समझ में आया आप लोगों की नहीं आया? यस सर आ गया सर। अब ये कुछ, ये मेंस का क्वेश्चन है, मेंस 2004 का, यही मेंस 2004 का क्वेश्चन है, ऊपर वाला जो मैं करा हूं वो इस साल का क्वेश्चन है। नेक्स्ट, ये जो क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन देखिए, एक और क्वेश्चन है उसी टाइप से जो अभी मैंने ऊपर डिस्कस किया, उसी टाइप का ये भी क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या कर रहा है, आपको फोर्स दिया हुआ है, आप निकाल सकते हो। एफ इज इक्वल टू दिया हुआ है यहाँ पर अल्फा बीटा, मैं थोड़ा छोटा कर दे रहा हूँ यहाँ पे, एफ इज इक्वल टू यहाँ पर दिया बेटा, देख लो क्वेश्चन दिख रहा है ना आप लोगों को, बड़ा करूं और दिख रहा है, गेटिंग आप लोग क्वेश्चन दिख रहा है? यस सर यस सर तो यहां पर फोर्स इज इक्वल टू दिया हुआ है अल्फा बीटा एक्सपोनेंट, ये exp लिखा हुआ है यहाँ पे, exp का मतलब एक्सपोनेंट ही होता है, एक्सपोनेंट माइनस एक्स स्क्वायर बाई अल्फा के टी। टी यहाँ पर टेम्परेचर ही है, टाइम नहीं है, यहाँ पे आप कैपिटल टी मान लो, ठीक है ना। अब यहां पर कह रहे हैं वही बात कि यहां पर भी बीटा का निकालना है, तो भैया ये वाला टर्म का, इस टर्म का डायमेंशन कितना हो जाएगा? जीरो जीरो यानी ये क्वांटिटी जो मेरी होगी वो क्या होगी बेटा? डायमेंशनलेस। तो अगर ये डायमेंशनलेस हो जाएगी, मतलब एक्स स्क्वायर बाई अल्फा बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इनटू टी, टी यहां टाइम नहीं है, टेम्परेचर दिया हुआ, देख लीजिए क्वेश्चन में, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? डायमेंशनलेस। डायमेंशनलेस का मतलब एम जीरो, एल जीरो, टी जीरो, या के केल्विन भी जीरो लिख सकते हो, कुछ भी नहीं होगा। यानी सिंपली आप कह लो कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा के टी, यही होगा ना भाई, ऊपर वाला का डायमेंशन डिवाइड बाय नीचे वाले का डायमेंशन। अब यहां पर अल्फा का निकालोगे तब आप फोर्स पर पहुंच जाओगे, तो अल्फा का डायमेंशन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? अल्फा का डायमेंशन ये जो वैल्यू है वो तो एक्सपोनेंट के साथ मतलब पावर में है नहीं, ये तो मल्टीप्लाई में। मल्टीप्लाई में नहीं भाई, एक्सपोनेंट लिख के पावर में ही है वो, एक्सपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई नहीं होता, पावर में ही है वो, लिखा हुआ वैसे, बट दैट इज इन पावर। ये लिख दिया ना, ये ई नहीं लिखा, ये एक्सपोनेंट लिख दिया, एक्सपोनेंट का मतलब ये एक्सपोनेंट पे ही है, समझ रहे हो ना बात? गेटिंग ना, ये पावर पे ही है, जब भी वैसे लिख रहा है, यहाँ पे ई एक्सपी लिख दिया, मतलब जैसे मैं लिखूं एक्सपोनेंशियल वन, तो एक्सपोनेंशियल वन ऐसे लिखा होगा, अगर मैं ई वन लिखूं या मैं ऐसे लिखूं एक्सपी वन, एक्सपी वन का मतलब यही हुआ, मतलब एक्सपोनेंशियल वन, समझ रहे हो? जैसे मैं, जैसे जैसे ऐसे लिखूं, अगर मैं कोई एक्स बाई वन, तो आप क्या लिखोगे? एक्स बाई वन ही लिखोगे, बाई का मतलब डिवीजन हो गया, तो डिवीजन वाला ही, तो साइन तो वही हो, तो वही बात यहां पर भी है। गॉट इट? समझ में आ गया अब? इसलिए वो मल्टीप्लीकेशन में नहीं है, एक्सपोनेंट। हाँ, तो यहां पर क्या हो जाएगा बेटा, अल्फा की पा क्या हो जाएगी, अल्फा एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा बेटा, कितना से डिवाइड होगा? के टी, बोल्ट्जमैन कॉन्स्टेंट इनटू क्या हो गया टी। तो अल्फा का डायमेंशन यहाँ क्या हो जाए, किसी का आंसर आया यहाँ पे? नहीं, सर एक्स स्क्वायर माइनस होगा ना, माइनस एक्स स्क्वायर क्वेश्चन में गिवन है। माइनस से मतलब नहीं है ना, माइनस से कोई मतलब नहीं, माइनस तो फॉर्मूला में लगा हुआ, डायमेंशन में माइनस, आप अगर लेते हो माइनस फोर्स तो उसके डायमेंशन में कोई फर्क थोड़ा, वो फॉर्मूला में माइनस है, डायमेंशन में प्लस माइनस का कोई यूज नहीं है, समझ रहे हो ना बात आप? ओके सर अब साइन का थोड़ी ना कोई डायमेंशन होता है, तो उससे कोई मतलब नहीं, साइन का तो कोई डायमेंशन होता नहीं है, मल्टीप्लाई रहेगा तो क्या उसका कोई डायमेंशन होगा? नहीं, इसलिए उस साइन से कोई मतलब नहीं, प्लस रहे निगेटिव रहे, वो एक्सपोनेंट पे पावर पॉजिटिव रहे निगेटिव रहे, उसका कोई मतलब नहीं, ये साइन बस ये दे दिया, वो इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, डायमेंशन में प्लस माइनस का कोई रोल नहीं।
ठीक है ना, जैसे मैं माइनस एफ लिखूं तभी भी इसका डायमेंशन एम, आप फोर्स क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हो ना, माइनस तो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, वैल्यूज को रिप्रेजेंट कर रहा है, समझ रहे बात आप। पी इज इक्वल टू, अगर मान लो पी इज इक्वल टू फोर्स है तो फोर्स इज इक्वल टू +10 न्यूटन भी हो सकता है -10 न्यूटन, यानी अगर वाई आई डायरेक्शन में माइनस आई डायरेक्शन, तो ऐसे थोड़ी ना कि उसकी डायमेंशन चेंज हो जाएगी, वो वैल्यू को बता रहा है, वो उसके वैल्यूज को बता रहा है, बट डायमेंशन इज कॉन्स्टेंट, थोड़ा ना न्यूटन तो न्यूटन ही रहेगा, उससे प्लस माइनस को कोई फर्क, प्लस माइनस उसकी वैल्यूज को बता रहा है, ठीक है। तो अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर क्या डायमेंशन कितना हो जाएगा, एल स्क्वायर, स्क्वायर लेंथ है एक्स। अब यहां पर क्या गया, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, अभी मैंने बताया बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का डायमेंशन क्या हो जाएगा, एम एल एनर्जी बाई स्क्वायर टी होता है ना, तो एम एल स्क्वायर एनर्जी बाई टेम्परेचर होता है, सॉरी हाँ टेम्परेचर, एम एल स्क्वायर टी -2 केल्विन इनवर्स, अब फिर यहां पर टेम्परेचर का क्या आ जाएगा, केल्विन। गॉट इट, समझ में आ गया बात। सर, अब यहां पर आप क्या करोगे, ये केल्विन से ये केल्विन कैंसिल हो जाएगा, ये एल स्क्वायर से एल स्क्वायर भी कैंसिल हो जाएगा। अब बताओ एल का डायमेंशन फाइनली कितना आ जाएगा, एम माइनस वन टी एम टू माइनस वन और टी टू ना, यस सर, यस सर, बाकी तो कट गया, एम माइनस वन और टी स्क्वायर इतना आ गया। अब कह रहा भैया, लेकिन वो कह रहा बीटा का निकालो, तो अब जब मैं बीटा का निकालूंगा तो भाई जो फोर्स का डायमेंशन होगा वही इस दोनों का डायमेंशन होगा, क्योंकि ये तो डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। अब भाई इस साइड का डायमेंशन और इस साइड का डायमेंशन बराबर होना चाहिए, तो इसकी तो फाइनल कोई डायमेंशन नहीं, फाइनल हाँ एक्स का है, अल्फा का है, के का है, टी का है, बट फाइनल इसकी कोई डायमेंशन नहीं होगी, फाइनली देयर इज नो डायमेंशन, तो फाइनली कोई डायमेंशन नहीं होगा। अब इसका मतलब कि जो फोर्स का डायमेंशन है वही अल्फा और बीटा का डायमेंशन है, तो यहां पर जो फोर्स का डायमेंशन है वही अल्फा और बीटा का निकालोगे, तो एफ का डायमेंशन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, अल्फा का डायमेंशन इंटू, चूंकि डिविजन में नहीं है तो इंटू बीटा लेना पड़ेगा। अब मेरे को बीटा का डायमेंशन निकालना है, तो बीटा का डायमेंशन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फोर्स का डायमेंशन डिवाइडेड बाय किसका डायमेंशन हो जाएगा, अल्फा का। एम अब फोर्स का डायमेंशन लिख दो कितना होता है बेटा, फोर्स का डायमेंशन एल टी माइनस टू, एम एल टी माइनस टू। अभी देखो अल्फा का मेरा कितना आया है, एम माइनस वन टी का स्क्वायर, यहां पर क्या हो जाएगा, एम माइनस वन और टी पे पावर, सॉरी टी है, एल तो रहेगा, अभी अल्फा का जो आया उसको रख दो, यानी टी माइनस टू, तो टी माइनस टू और ऊपर भी टी माइनस टू, टी तो कैंसिल हो है। जाएगा, तो ये माइनस टू कैंसिल हो गया। अब क्या बच गया, एम माइनस वन ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, एम एस टी टू है नीचे वाला टू माइनस में नहीं है, अच्छा प्लस में है, सॉरी तो यहाँ क्या हो जाएगा बेटा, टी का स्क्वायर, तो ऊपर जाएगा, तो ऊपर जाएगा तो माइनस टी हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, एम एल टी, ये माइनस टू है ना, माइनस टू, तो वो भी माइनस टू, टी माइनस फोर, ठीक है, सही है ना। यस सर, नीचे लिख देता हूं ताकि आप लोगों को समझ में आ जाएगा, यानी फाइनल जो मेरा डायमेंशन आया दैट इज बीटा इज इक्वल टू एम एल एम टू आ जाएगा, सॉरी ये माइनस वन जाएगा तो एम टू हो जाएगा ना, एम स्क्वायर एल टी पे पावर माइनस फोर। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा आ गया, सी सी, सी नहीं आएगा बेटा, बी, बी ये है मेंस 2019। हाँ बोलिए मुस्कान, एनी प्रॉब्लम बेटा आपको, कोई नो सर, बाय मिस्टेक हुआ था। बात नहीं, मुझे लगा कोई प्रॉब्लम है, इसको मैं लिख देता हूँ थोड़ा सा बड़ा सा ताकि आपको समझ में आ जाए, एक्सपोनेंट पे जो पावर होगा वो डायमेंशन। अब इस टाइप का क्वेश्चन आएगा एक्सपोनेंट के पावर वाला तो बना लोगे ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यस सर, करा दिया। देखो प्रीवियस क्वेश्चन किए रहोगे तो समझ में आएगा, देखो जो बंदा 2004 का क्वेश्चन किए रहा होगा तो 2019 में जब आया था तो उसको आइडिया रहा होगा, रहा होगा कि नहीं रहा होगा, एक्सपोनेंट वाला। देखो दूसरे टाइप का क्वेश्चन 2004 में भी है, तो पीवाईक्यू से ऐसा नहीं, पीवाईक्यू से फायदा भी होता है, पीवाईक्यू का मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अब यहां तक तो क्लियर है, ये डायमेंशन वाली बात हमारी खत्म हुई, क्लियर है। चलिए अब आता है सिग्निफिकेंट फिगर्स, इनसे भी कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स से। सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है, जैसे मैं कोई कोई वैल्यू आपको बता रहा हूँ,
कोई भी मेजरमेंट है, कोई भी वैल्यू मैं आपको बता रहा हूं, मैं आपको कोई भी वैल्यू बता रहा हूं. फॉर एग्जाम्पल मैं बोलू एक्स इज इक्वल टू टू, तो आप कह सकते हो कि सर एग्जैक्ट टू है या 1.99999 है या सर 1.922223 है, आप उसको राउंड ऑफ करके 2 लिख रहे हो या सर 2.00002 है. आप कॉन्फिडेंट हो क्या अगर मैं x इज इक्वल टू 2 बोल रहा हूं तो? जैसे मैं दो क्वांटिटी लिखूं, मैं लिखूं x इज इक्वल टू 2, सॉरी समझिएगा जरा, मैं लिखूं x इज इक्वल टू 2, मैं लिखूं x इज इक्वल टू 0.01, मैं लिखूं x इज इक्वल टू 1.989234, मैं लिखूं x इज इक्वल टू 1.99345678 2, तो कौन ज्यादा एग्जैक्ट वैल्यू के करीब है? एग्जैक्ट वैल्यू का मतलब आपको कौन लग रहा है कि एक्यूरेसी किसमें ज्यादा है? एक्यूरेसी किसमें ज्यादा है? आप डेसिमल में जितने लंबा जाओगे मतलब उतनी एग्जैक्ट वैल्यू के पास पहुंच रहे हो. जैसे मैं लिखूं, जैसे कोई भी वैल्यू, जैसे पाई की वैल्यू होती है 3.14 लिखते हो आप ना सर, लेकिन पाई की वैल्यू और आगे तक जाती है कि नहीं? एग्जैक्ट आगे जाओगे उतने ही एग्जैक्ट वैल्यू के करीब जा रहे हो. ये देखो टू बता रहा हूँ ना, मैं टू का मतलब वो छोटा वैल्यू, मतलब बहुत ज्यादा डेसिमल में नहीं जा रहा हूँ, तो हो सकता है भाई इसको भी तो मैं टू बोल सकता हूँ, बोल सकता हूँ नहीं बोल सकता हूँ? Yes, sir. ये वाली वैल्यू को भी तो मैं टू बोल दूंगा, बोलूंगा यार इतना मेरे को तमाशा करने की क्या जरूरत है, मैं टू बोल दिया. तो इस वाले वैल्यू को भी मैं टू बोल सकता हूँ, लेकिन ये वैल्यू जब मैंने बताया इसका मतलब मैं ज्यादा प्रिसाइज फॉर मतलब ज्यादा एग्जैक्ट के करीब जा रहा हूँ, जो एग्जैक्ट मेरी वैल्यू है उसके करीब मैं जा रहा हूं. मैंने राउंड ऑफ नहीं किया, मैं जितने ज्यादा पॉइंट्स में जाऊंगा उतने ज्यादा क्लोजर जा रहा हूं वैल्यू के. यू गेटिंग माय पॉइंट? क्लियर? मतलब मैं राउंड ऑफ, मैं आपको एग्जैक्ट वैल्यू के बारे में बता रहा हूं, मैं आपको एग्जैक्ट तक लेके जा रहा हूं कि भैया एक्चुअल उसकी वैल्यू, जैसे पाई की वैल्यू 3.14567892, मैं जो भी मैं जाऊं और आगे तक, मैं तो 3.14 ही बता रहा हूं, लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू उसकी कुछ और है. जैसे मैं 3.1 बोलू तो मैंने उसको और शॉर्ट कर दिया. समझ रहे बात की नहीं समझ रहे? तो इसका मतलब जितने ज्यादा आगे तक मैं जा रहा हूं उतने ज्यादा मैं एक्यूरेसी की तरफ जा रहा हूं, उतने ज्यादा उस नंबर के बारे में मैं कॉन्फिडेंट हूं. यहां मैं इतना चला गया ना तो आप कॉन्फिडेंट हो गए कि भाई इसका वैल्यू तो इतना ही है, लेकिन इसके बारे में आप कॉन्फिडेंट नहीं हो. ये 1.99 भी हो सकता है, ये 2.001 भी हो सकता है, ये 2.01 भी हो सकता है, लेकिन अगर मैं 1.99 लिखूं तो इतना आपको तो पता चलेगा कि भैया ये 2 नहीं होगा, 1.9 नहीं होगा. समझ रहे हो बात की नहीं समझ रहे हो? यानी जितने ज्यादा, हाँ, तो इसी को बोलते हैं सिग्निफिकेंट फिगर. सिग्निफिकेंट फिगर्स एक्चुअली किसी भी डिजिट्स को जो मेजर या कोई भी वैल्यू आप मेजर कर रहे हो तो हाउ एक्यूरेट इज, कितना एक्यूरेसी तक आप जा रहे हो, दैट इज द सिग्निफिकेंट फिगर. हाँ दिव्यांश बताइए, कोई डाउट बेटा? नो सर. नहीं, तो इसका मतलब ये होता है सिग्निफिकेंट फिगर, यानी किसी कोई नंबर अगर है और उस नंबर में जितने ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर रहेगा उतने ज्यादा आप कॉन्फिडेंट होगे कि हाँ ये वैल्यू बिल्कुल एग्जैक्ट, एग्जैक्ट की तरफ या एग्जैक्ट है. बोलिए आयुष. क्या बोल रहे बेटा? मैं, मेरे को समझ में नहीं आ रहा आप बोल क्या रहे हो. सर डेफिनेशन कह रहे थे. डेफिनेशन ही मैं लिख रहा हूं भाई, अभी तो मैं बता रहा हूं डेफिनेशन का, मैं बता रहा हूं यानी इट टेल्स अस हाउ कॉन्फिडेंट वी आर अबाउट अ मेजरमेंट. एक मेजर, जैसे मैं, आप मेरे को एक रड दो मेजर करने की, मैं बोलूं कि इस रड का 2 मीटर मानो यार, 2 मीटर, 2 मीटर है, मैं बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, मेरे को 1 पॉइंट थोड़ा लगा कि थोड़ा बहुत आसपास भी रहा होगा 2 की, तो मैं 2 बोल दिया. लेकिन मैं बोलूँ कि नहीं बेटा इसका मेजरमेंट 1.989234 5 मीटर है, तो मैं कौन ज्यादा एक्यूरेसी की तरफ होगा? किस कौन एग्जैक्ट मेजरमेंट को बता रहा है? 1 पॉइंट वाला, कि भाई आप एकदम पॉइंट में भी आगे तक जा रहे हो, मतलब आप ज्यादा एक्यूरेट वैल्यू बता रहे हो ना, आपने उसको मान के नहीं चला कि चल भाई इसको 2 मान ले, तो 2 मान लिया तो आप एक्यूरेट वैल्यू तो नहीं बता रहे हो. जैसे मैंने कहा कि अगर आप किसी भी वैल्यू को 2 बोलते हो तो भैया ये 1.99 भी हो सकता है, 1.98 भी हो सकता है, 2.01 भी हो सकता है, 2.1 भी हो सकता है, लेकिन अगर मैं बोलूं 1.9934 तब इसमें पक्का पता है कि भैया न तो ये 2.01 है, ना ये 9.1.98 है, 1.99 के बाद है.
समझ रहे बात की नहीं समझ रहे हो? यानी आप इसको आप एग्जैक्ट मेजरमेंट की तरफ लेके जा रहे हो। तो जितने यही ना बोला कि सिग्निफिकेंट फिगर्स वो होता है जिसके मेजरमेंट की वैल्यू में आप कॉन्फिडेंट हो कि भैया हाँ इसका मेजरमेंट तो इतना ही है। जैसे टू मैं बोलूं तो वी आर नॉट कॉन्फिडेंट, आई एम नॉट कॉन्फिडेंट, बट अगर मैं 1.99 बोलूं तो आप कॉन्फिडेंट हो गए कि हाँ इसका वैल्यू 1.9 है, टू से थोड़ा सा कम है, मतलब ज्यादा एग्जैक्ट मेजरमेंट वो बता रहा है ना। जितने ज्यादा डेसिमल में जाओगे उतने एग्जैक्ट मेजरमेंट। जैसे आप किसी चीज को डिवाइड करते हो, जैसे आप 22/7 को डिवाइड करो तो 22/7 कितना आता है 3.14, आप तो वहीं तक लेके चले गए, लेकिन क्या एग्जैक्ट वैल्यू 3.14 ही है? नो सर। जितने आगे तक जाओगे उतने आप क्लोजर जा रहे हो। अगर मैं करूं समझ बात की नहीं समझ रहा हूं, तो यही सिग्निफिकेंट किसी भी चीज के एक्यूरेसी के बारे में बताना कि हाँ ये मेजर्ड वैल्यू कॉन्फिडेंट है कि भाई ये मेजर्ड वैल्यू ये है। जैसे 22/7 आप दो पॉइंट के बाद आप छोड़ दे रहे हो, आप कर चलो यार इसके आगे कुछ होगा, मैं 3.14 लेके चल रहा हूँ, बट आप आगे और डिवाइड करो और आगे वैल्यू आती जाएगी और आप क्लोजर जा रहे हो उस वैल्यू के पास। जितने ज्यादा आप डेसिमल में आगे निकालते जाओगे उतने ज्यादा क्लोजर होता जाएगा। तो यही सिग्निफिकेंट, जितने ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर उतने एक्यूरेट मेजरमेंट। मतलब मोटा मोटा ना बता के पतला पतला बताना। मोटा मोटा ना बता के अंदर तक बताना, कर राउंड ऑफ करके नहीं बताना। बात समझ में आ रही ना? जितने ज्यादा एक्यूरेट वैल्यू आप किसी चीज की, जितने ज्यादा एक्यूरेट वैल्यू बताओ। जैसे कोई वैल्यू को किसी चीज की मेजरमेंट दी हुई आपको और वो मेजरमेंट जैसे कोई लेंथ ही दिया हुआ है, अब लेंथ दिया हुआ तो उसकी वैल्यू है 2.0001। आप इसको अपने आम भाषा में क्या बोलोगे? मान लो इतना मीटर दिया हुआ है, आप बोलोगे 2 मीटर है। सही बात है कि नहीं? लेकिन एग्जैक्ट मेजरमेंट इज 2.00001, ये बिल्कुल तो जितने ज्यादा आप आगे बढ़ोगे उतने आप एक वन के बाद भी शायद आप आगे बढ़ो तो थोड़ा और आएगा, नहीं भी हो सकता है। तो जितने ज्यादा एक्यूरेसी की तरफ आप जाओगे उतने ज्यादा आपका सिग्निफिकेंट फिगर्स होगा। एक्चुअली सिग्निफिकेंट फिगर टेल्स अस द एग्जैक्ट मेजरमेंट ऑफ द वैल्यू जिसके बारे में हम कॉन्फिडेंट है कि हाँ ये मेजर्ड वैल्यू उतनी। ओके, अब समझ में आ गई बात, किसी को कोई डाउट नहीं है? आयुष, आपका डाउट क्लियर होगा? टाइम तो हम कह सकते हैं कि इट टेल्स द नंबर ऑफ डिजिट्स, यानी कितना डिजिट तक वो जा सकता है। जैसे पाई की बात करो तो कितने ज्यादा डिजिट तक आप जाओगे उतने ज्यादा एग्जैक्ट वैल्यू तक जाओगे। तो इट टेल्स द नंबर ऑफ डिजिट्स इन अ मेजर्ड वैल्यू वी, हालांकि कोई ऐसा सिग्निफिकेंट फिगर का डेफिनेशन आपको आने नहीं जा रहा है, बट फिर भी वी आर कॉन्फिडेंट। मैं क्या बोल रहा हूं, मोर द क्या बोल रहा हूं मैं, मोर द सिग्निफिकेंट फिगर मोर द एक्यूरेट मेजरमेंट। तो क्या हो सकता है, मोर, अभी आपको समझ में आ ही जाएगा, मोर द सिग्निफिकेंट फिगर मोर एक्यूरेट द मेजरमेंट। ठीक है, अब यहां पे कुछ रूल्स है सिग्निफिकेंट फिगर निकालने के, कुछ रूल्स है। ठीक है ना, सबसे पहला रूल्स क्या है, एकदम आराम से बहुत आसान चीज है, बहुत आसान है, कोई इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। सबसे पहला रूल क्या है कि ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स हैं, 1, 2, जैसे अभी मुस्कान ने यहाँ पे देखो चैट बॉक्स में लिखा, ये सारे नॉन डिजिट नॉन जीरो, इसमें कहीं भी जीरो आ रहा है क्या? अभी इसने पाई की वैल्यू लिखी है ना चैट में, इसने इसमें कहीं भी जीरो नहीं है, इसका मतलब ये सारे सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। मतलब जितने भी नॉन जीरो नंबर होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। तो सबसे पहला रूल क्या है, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स हैं वो सिग्निफिकेंट है। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर मैं बोलूं बेटा 1, 2, 5, 6, 7, कितने नॉन जीरो नंबर हैं ये? 5 नॉन जीरो नंबर, सारे नॉन जीरो, इसमें कहीं जीरो नहीं आ रहा तो मसला ही नहीं, सारे नॉन जीरो। तो आप क्या लिख बोलोगे इसको, 5 सिग्निफिकेंट फिगर, SF का मतलब सिग्निफिकेंट फिगर। जैसे अभी मुस्कान ने जो लिखा उसी को मैं ले लेता हूँ, कितना लिखा उसने, 3.18, पर चलो इतना ही तक मैं ले लेता हूँ।
इसमें कितने नॉन जीरो डिजिट्स हैं? सिक्स. अभी जो मैंने लिखा है तो इसके कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे? सिक्स सिग्निफिकेंट. यानी जितने भी नॉन जीरो नंबर्स होंगे उसमें कोई इफ बट नहीं है, उसमें सिग्निफिकेंट फिगर होगा. जैसे एग्जांपल के तौर पर एक और लो, 1 to 1 कितने सिग्निफिकेंट फिगर है बेटा? 3. जैसे और एग्जांपल ले, 1 3 2 1 कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? 4. जितने भी नॉन जीरो है आर सिग्निफिकेंट. अब आ जाइए सेकंड. अब जीरो की बात करते हैं. जीरो बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स, ट्रैप्ड बोलता, फंसा हुआ. जैसे जीरो तो है लेकिन इधर भी नॉन जीरो है, इधर भी नॉन जीरो, बेचारा बीच में फंस गया, दो नॉन जीरो के बीच में फंस गया जीरो. जैसे 1001 तो इधर भी नॉन जीरो, इधर भी नॉन जीरो, वो बीच में आ गया, इसको ट्रैप्ड जीरो बोलते हैं. फंसा हुआ बेचारा बीच मझधार में फंसा हुआ, तो उसको भी आपको सिग्निफिकेंट फिगर ही काउंट करना है. यानी ऑल क्या बोला हूं मैं, जीरो बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स, जीरो बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट. दो नॉन जीरो के बीच में अगर कोई है वो सिग्निफिकेंट फिगर होगा. एग्जांपल देख लेते हैं, क्लियर हो जाएगा. बहुत आसान है, एकदम कुछ है ही नहीं इसमें. जैसे ले लीजिए 30045, इधर भी नॉन जीरो, इधर भी नॉन जीरो, उसके बीच में जीरो फंसा हुआ है तो वो सिग्निफिकेंट फिगर होगा. इसका कितना सिग्निफिकेंट फिगर होगा? फाइव सिग्निफिकेंट फिगर. और एग्जाम्पल ले लीजिए, सेकंड में ले लीजिए, 101 कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे? थ्री. और कुछ ले लेते हैं, जैसे ले लीजिए 1003 कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे? फोर. ये ध्यान रखिए कि दोनों नॉन जीरो, अब आगे पीछे होगा वो अभी बात करेंगे. आगे पीछे में टेंशन नहीं लीजिए, अभी हम उसके बारे में लोग आएंगे. बट मैंने एक बताया कि जितने भी नॉन जीरो है वो सिग्निफिकेंट फिगर होगा, नॉन जीरो के बीच में जीरो है वो सिग्निफिकेंट फिगर होगा, या ये कह लो कि दो सिग्निफिकेंट के बीच में कुछ भी हो. जैसे देखो वन, जैसे यहां देखो, यहां मेरा है 3 और ये है 5, तो ये दोनों तो सिग्निफिकेंट. अभी सिग्निफिकेंट के बीच में अगर कोई आ रहा था वो हमेशा सिग्निफिकेंट ही होगा. उसी को मैंने एक और अंदाज में कह दिया कि अगर नॉन जीरो के बीच में जीरो है तो सिग्निफिकेंट. थर्ड नंबर क्या है कि इनिशियल जीरो. हाँ बोलिए बेटा सुहानी. सर 3.005 जो होगा वो भी 5 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे. हाँ हाँ 3.005. यस सर. फोर, पॉइंट को नहीं काउंट करना ना, डिजिट को, पॉइंट इज नॉट अ डिजिट. ये फोर सिग्निफिकेंट, हाँ ये फोर सिग्निफिकेंट फिगर होंगे. ओके यस सर. अब आ जाइए, अब थर्ड हमारा है इनिशियल जीरोस. इनिशियल का मतलब शुरुआत, इनिशियल जीरोस, या इसको लीडर बोलते हैं. आगे जो होता है ना उसको क्या बोलते हैं? लीडर बोलते हैं ना. तो आप बोल सकते हैं इनिशियल जीरोस और लीडिंग जीरोस. लीडिंग का मतलब आगे जो जीरो है. आर नेवर सिग्निफिकेंट, यानी ये भाई साहब सिग्निफिकेंट नहीं होंगे. इनिशियल जीरोस और लीडिंग जीरोस आर नेवर सिग्निफिकेंट. हाँ केमिस्ट्री में भी पढ़े होंगे आप, ये सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं होंगे. जैसे एग्जांपल के तौर पर देख लीजिए, मैं क्या बोलूं, इनिशियल जीरो. जैसे मान लीजिए 0023, अब ये ट्रैप्ड तो नहीं है, ये तो इनिशियल में दे दिया गया. अब इनिशियल में दिया गया तो मैं क्या बोल रहा हूं कि इनिशियल जीरोस आर नॉट सिग्निफिकेंट. इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे? 2. जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, 0.00145. अब ये डेसिमल के बाद हो चाहे डेसिमल से पहले, मेरे को मतलब नहीं, जितने भी शुरुआत के जीरोस हैं ये इनिशियल जीरोस हो गए. अब इनिशियल जीरो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होंगे. आगे जो भी जीरोस हैं, हाँ इनके पहले नॉन जीरो नहीं है, आगे जितने भी जीरोस होंगे वो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है. तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए? 3. ठीक है, जैसे यहां ले लो 0.001, ये कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे? बोलिए क्या बोल रहे बेटा, किसी को कोई डाउट है? एनीबॉडी हैव डाउट? नो सर. ठीक है, नेक्स्ट है फोर्थ नंबर. ये कह रहा है एंडिंग जीरोस, जीरोस है लेकिन जीरो आखिर में. इनिशियल का तो समझ गए, इनिशियल का क्या है मसला बेटा? इनिशियल जीरोस आर नेवर सिग, चाहे डेसिमल रहे चाहे नहीं रहे, अगर शुरुआत में जीरोस है तो वो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है.
अब कह रहा है एंडिंग जीरो, लास्ट में जीरोस अगर है तो मैं ये कह रहा हूं एंडिंग जीरोस, एंडिंग जीरोस या ट्रेलिंग भी इसको बोलते हैं, ट्रेलिंग ऑफ द बाद में, एंडिंग जीरोस आर सिग्निफिकेंट आफ्टर डेसिमल। क्लियर? जैसे एग्जांपल, ये थोड़ा समझिएगा, एंडिंग जीरो सिग्निफिकेंट तभी होगा जब वो डेसिमल के बाद लिखा होगा, अगर वो डेसिमल के बाद नहीं है तब उसको काउंट नहीं करेंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पर देख लीजिए, एग्जांपल मैं यहां करूं अगर 2.00 तो एंडिंग जीरोस है, लेकिन वो एंडिंग जीरोस डेसिमल के बाद आ रहा है बेटा, डेसिमल से पहले आ तो आफ्टर डेसिमल आ रहा है तो उसको काउंट करेंगे, तो काउंट करेंगे तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे, जैसे यहाँ पर लिख लूं, अच्छा चलो यहाँ पर लिख लूं 0.003020। अब इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, फोर। ये देखो, ये जो मेरा इनिशियल है बेटा, ये तो इनिशियल, देखो यहाँ पे एंडिंग जीरोस मत काउंट करना, एंडिंग नहीं है वो, इनिशियल चाहे डेसिमल रहे ना रहे, इनिशियल जीरोस जो भी होगा वो कभी भी सिग्निफिकेंट नहीं होगा, इनिशियल जीरोस आर नेवर सिग्निफिकेंट चाहे वो डेसिमल रहे ना रहे। तो ये तीनों तो इनिशियल जीरोस हो गए, अब भैया इनिशियल जीरोस तो मैं बोल रहा हूं सिग्निफिकेंट फिगर होगा ही नहीं, तो ये तो कैंसिल हो गया। अब आ रहा 3020, हां ये वाला जीरो सिग्निफिकेंट हो जाएगा, क्यों ये वाला जीरो सिग्निफिकेंट हो रहा है, क्योंकि ये डेसिमल के बाद आ रहा है, ऐसा जरूरी नहीं कि यहीं पे डेसिमल हो, कहीं भी वो डेसिमल के बाद आना चाहिए। तो 3040 ये कितने सिग्निफिकेंट फिगर होगा, इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर। अरे जैसे ऐसे ले लो 2000 कितने सिग्निफिकेंट फिगर होगा, 4 1। यहां क्यों हुआ बेटा, क्योंकि यहां पर आपको जीरोस लास्ट में है बट आफ्टर डेसिमल नहीं, आफ्टर डेसिमल है क्या, आफ्टर डेसिमल नहीं है ना, अब यहां पर आप क्या बोलोगे, यहां पर 1 सिग्निफिकेंट। समझ रहे हो बात की नहीं, ठीक है ना, एंडिंग जीरोस आर सिग्निफिकेंट ओनली आफ्टर द प्लेस आफ्टर द डेसिमल। अच्छा एक और बात यहाँ पे, कभी कभी क्वेश्चन ऐसा आ जाता है, मान लो मेरे को ऐसा दिया 2000 kg, अब इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, चलो एक ऐसे एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे समझ लो या एनसीईआरटी में इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन है, इसलिए मैं बता रहा हूं, एक बात समझ लो कि मैं आपको बोलूं, जैसे फॉर एग्जांपल कहीं पे भी जाओ मैं आपको बोलूं बेटा एक्स की वैल्यू 7 है, तो ठीक है आप समझ लोगे 7 है, या एक्स का वैल्यू 70 है, तो 0 का आपको वहां पे मतलब समझ में नहीं आएगा क्या है, मतलब मैं जैसे ऊपर लिखा मैंने 2000, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि 2000 क्या है, मतलब 00 का कितना इंपॉर्टेंस है, क्या है एग्जैक्ट फिगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन मैं बोलूं 2000 kg, अब यहाँ पर आपको 0 की वैल्यू है कि नहीं है, यहाँ पे ये बताओ। यस सर है, यहाँ पर केजी, यहाँ पे मैंने यूनिट लगा दिया ना, तो डेट जीरोस आर काउंटिंग ना, जैसे अगर नहीं होता तो 7 kg और 70 kg तो एक ही चीज मानते हैं आप, अब 70 kg मैंने लिखा था दैट जीरो मैटर्स और डजंट मैटर्स, बताओ हमें यूनिट के मामला में जब वो एक्सप्रेस कर देगा तब आप एंडिंग जीरोस काउंट कर लोगे। जैसे मान लो मैं लिखूं 100 लिखूंगा 1 सिग्निफिकेंट फिगर, लेकिन मैं लिखूंगा 100 meters तब कितना सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ पे हो जाएगा 3, क्योंकि आप जीरो उस मीटर को स्पेसिफाई करने में उसका रोल आ गया, बस समझ में आ रही कि नहीं आ रही, यानी उसका सिग्निफिकेंस जैसे 7 kg और 70 kg, तो 0 का सिग्निफिकेंस आ गया ना 70 kg में, तो सिग्निफिकेंट जब आ जाएगा उसका उसका रोल आ गया, अगर नहीं होता तो 7 kg 70 kg एक ही चीज मानते हैं, तो इसलिए अब हम आप क्या बोलेंगे इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर। डन, समझ में आ गई बात, यस सर। चलिए अब आगे बेटा फिफ्थ नंबर, 5 नंबर रूल, पहला रूल बताया नॉन जीरोस सिग्निफिकेंट, दूसरा बताया अगर नॉन जीरो के बीच में जीरो है सिग्निफिकेंट, तीसरा बताया इनिशियल जीरोस है नेवर सिग्निफिकेंट चाहे पॉइंट रहे नहीं, चौथा है डेसिमल के बाद अगर आ रहा है तो
जीरो इंडिंग जीरो आर सिग्निफिकेंट, डेसिमल के बाद नहीं आ रहा है तो इंडिंग जीरो आर नॉट सिग्निफिकेंट, लेकिन अगर उसको जीरोस को स्पेसिफाई कर दे रहा है किसी यूनिट से किसी मेजरमेंट से तब वो जीरो मेरा सिग्निफिकेंट हो जाएगा। फिफ्थ नंबर में क्या है, है ना, फिफ्थ नंबर में क्या है कि ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इज नेवर सिग्निफिकेंट। जैसे मैंने लिखा कोई भी नंबर 3.1 × 10⁸, तो ये 10⁸ को आप क्या बोलोगे, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, इसके ऑर्डर में है तो 10⁸ इज नेवर सिग्निफिकेंट। तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाएगा, सिग्निफिकेंट 4 × 2। मैं कह रहा हूं किसी भी ऑर्डर में, ऑर्डर में अगर कोई वैल्यूज है, ऑर्डर का मतलब क्या होता है, जैसे 10 पे कोई पावर है वो ऑर्डर का आ जाएगा, 10⁸ ऑर्डर में, तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑर्डर में, जैसे यहां देख लो 3.100 × 10⁵, कितने सिग्निफिकेंट फिगर है यहां पे, 4। यहां पे जीरोस काउंट होगा क्योंकि डेसिमल के बाद में, तो ये कितने हो जाएंगे 4 सिग्निफिकेंट फिगर। जैसे और लिख लो 5 × 10⁹, कितने सिग्निफिकेंट फिगर है ये, 1। सर ये 10 पावर की सिर्फ या किसी भी पावर, क्या बोल रहे सर, आपने हर किसी में 10 की पावर ही ली है, हम किसी और की पावर भी ले सकते हैं, किसी और की पावर लोगे तो उसका वैल्यूज आ जाएगा ना, 10 पे पावर ऑर्डर का मतलब हमेशा 10 पे पावर होता है, जैसे कोई और पावर बोले जैसे 4 × क्या बोल रहे हो 2⁴। यस सर। हाँ तो इस ये काउंट हो जाएगा, ऑर्डर का मतलब हमेशा 10 पे पावर होता है, समझ रहे हो ना आप, ठीक है, ऑर्डर ऑफ पावर इज नेवर सिग्निफिकेंट, वही लास्ट का जीरो आ जाएगा, लास्ट का जीरो आप लोगे नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो नेक्स्ट, अगर की पावर नेगेटिव होगी तो फिर हम उसको सिग्निफिकेंट नेगेटिव या पॉजिटिव से मतलब नहीं, चलो लिख देते हैं ना, नेगेटिव पॉजिटिव से मतलब नहीं, 3.01 × 10⁻¹, कितने सिग्निफिकेंट फिगर होगा इसमें, 3 सिग्निफिकेंट, ऑपोजिट 10⁻+ रहे 10⁻⁻ रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड जो रहेगा उससे मेरे पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ बताइए रसना। सर नेगेटिव होगा तब तो डेसिमल में इफेक्ट आएगा ना, किसमें इफेक्ट आएगा सर, डेसिमल नंबर एक्सटेंड हो जाएंगे, इससे मतलब नहीं ना है, वो तो लिखोगे तो फिर अगर 10 पे पावर करके दिया हुआ है तो वो मैग्नीट्यूड ऑर्डर पर सिग्निफिकेंट नहीं होगा। ओके सर। 10 पे पावर दे, अगर उसको करोगे तो इनिशियल जीरो आ जाएगा, माइनस सिक्स करोगे तो इनिशियल, ये कैसे होगा, 0.00 यही आएगा ना, yes, तो यही आएगा ना, अब ये सिग्निफिकेंट फिगर होंगे क्या, नो सर, बात तो वही हो गई, समझ गया ना, अब बाद में जीरो जाएगा, यस सर, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड में अगर रहेगा, सिंपल बात हो, प्लस पावर है 10 पे पावर, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड जो है सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होगा। लेफ्ट लास्ट मेरा है सिक्स नंबर, वो ये है कि व्हाइल कन्वर्जिंग यूनिट, अगर आप एक यूनिट को दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करते हो तो सिग्निफिकेंट फिगर रिमेन सेम, यानी आपको ऐसे कन्वर्ट करके आपको ऐसे लिखना है कि सिग्निफिकेंट फिगर सेम रहे, तो यहाँ क्या हो जाएगा, व्हाइल चेंजिंग units number of significant figures remains same, अगर आप यूनिट को चेंज कर रहे हो तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हमेशा क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। जैसे आप लिखते हो एग्जाम्पल के तौर पर 3 किलोमीटर, कितने सिग्निफिकेंट फिगर है इसमें, 1। अगर मैं इसको ऐसे लिखता हूँ 3000 मीटर, तो ये सही है, अगर मैं इसको ऐसे लिखता हूँ 3 × 10³ मीटर, कौन सही है दोनों में, ये सही है कि ये सही है, दोनों सही है, आपको सर ये क्या बात हो गया 3000 मीटर, लेकिन अगर आपको क्वेश्चन कहे कि अप्रोप्रिएट सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ यूनिट को चेंज करो तो ये वाला नहीं है। अगर मैं क्वेश्चन कहूं कि भैया 3 किलोमीटर है और इसको एप्रोप्रिएट सिग्निफिकेंट नंबर में चेंज करो, तो आप इसको नहीं लिख सकते ऐसे
3000 मीटर नहीं ले सकते क्योंकि इसमें कितना सिग्निफिकेंट फिगर हो गया, चार। जैसे आप इसको ऐसे भी नहीं लिख सकते, मैथमेटिकली तो ये भी सही है, मैथमेटिकली तो 3.0 इंटू 10^3 मीटर, ये सही है कि गलत है? सर सही है। सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए? अरे इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए? दो। तो यहां अगर एक आपको ऐसे चेंज करना है, ऐसे क्वेश्चन भी आता है, जैसे आपको दिया रहेगा कि 3 किलोमीटर इज इक्वल टू, आपको क्वेश्चन ऐसा आता है 3 किलोमीटर इज इक्वल टू, अब बच्चा ऑप्शन दिया रहेगा 3000 मीटर, आपको ऑप्शन दिया रहेगा 3.0 × 10^3 मीटर, आपको ऑप्शन दिया रहेगा 3.00 × 10^3 मीटर, आपको ऑप्शन दिया रहेगा 3 × 10^3 मीटर, नहीं एक ऑप्शन ऑल ऑफ दीज भी रहेगा इसमें, मान लो ऐसे दिया हुआ है और एक ऑप्शन आपका ऑल ऑफ दीज है, कौन सही होगा? सर डी। सर डी। सर डी। क्योंकि वो एप्रोप्रिएट मैथमेटिकली इज करेक्ट, बट नंबर ऑफ, मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर आप यूनिट को चेंज कर रहे हो तो आपका नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या रहना चाहिए बेटा? सेम। तो आप वैसे ही चेंज करोगे कि नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर आपको कन्वर्ट ना हो, चेंज ना। हाँ मैं ऐसे लिखूं, अगर मान लीजिए 3.0 किलोमीटर मैं ऐसे लिख दूं, तब आप इसको कैसे चेंज कर सकते हो? 3.0 × 10^3 मीटर। आपका जो मैं क्या बोल रहा हूँ कि यूनिट, मैं अभी दिया एग्जांपल, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे 3.0 किलोमीटर में? सर दो ही रहेंगे। दो सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे आप, वैसे भी जीरो एंडिंग जीरो डेसिमल के बाद आ रहा है, तो आपको अगला जो कन्वर्ट करना है उसमें भी हमको ध्यान रखना है कि दो ही सिग्निफिकेंट फिगर है। मैथमेटिकली तो आप उसको कई तरीके से लिख सकते हो, लेकिन एप्रोप्रिएट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स में आप एप्रोप्रिएट नंबर नहीं लिख सकते। क्लियर है यहां तक? किसी को कोई डाउट? नो सर। पांचो रूल में किसी को कोई डाउट? नो सर। नो सर। ये ठीक है। अब आ जाइए यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर निकालना है, जरा जल्दी जल्दी निकाल दीजिए, टाइम मेरे पास कम थोड़ा हम लोग। पहला बताइए कितना सिग्निफिकेंट फिगर है फर्स्ट वाले में? 3 3 सिग्निफिकेंट। फर्स्ट फिगर कितना? 3। बी वाले में बताइए कितना सिग्निफिकेंट फिगर है? 3 2.05। तो जीरो तो आ गया बीच में, तो इसमें भी कितना हो जाएगा? 3 सिग्निफिकेंट। नेक्स्ट बताइए सी नंबर में कितने हो जाएंगे? 5 5 5 5। वैसे यहाँ पे यूनिट ए ना दे, यहाँ पर वैसे भी एंडिंग जीरो आ रहा है, एंडिंग जीरोस आर आफ्टर डेसिमल, ठीक है ना, एंडिंग जीरोस आफ्टर डेसिमल, आफ्टर डेसिमल होगा तब तो कोई मसला ही नहीं है, तब तो हमें कुछ देखना ही नहीं है, तो आफ्टर डेसिमल जब आएगा तो कितना यूनिट हो जाएगा बेटा? 5 5 2। सिमिलरली ई में बताइए? 1 1 1 1। ई में 4 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
बाद में ये भी काउंट होगा, ये भी काउंट होगा, फोर भी काउंट होगा, जीरो जीरो आफ्टर डेसिमल आ रहा है, तो कितने हो जाएंगे? डी रहेगा। अच्छा डी, डी का आप लोग वन बोले हो, सॉरी डी का, तो डी का आप लोग का कितना हो जाएगा? डी का सही डी का, तो डी का कितना हो जाएगा? वन सिग्निफिकेंट फिगर। फिर ई का, ई का कितना हो जाएगा? ई का कितना हो जाएगा बेटा? फोर सिग्निफिकेंट। फिर बताइए एफ का? अब यहाँ पे इंडिंग जीरो काउंट नहीं हुआ बिकॉज इंडिंग जीरो आर नॉट आफ्टर द डेसिमल, इसलिए फाइव नहीं, थ्री। नेक्स्ट जी में बोलिए, क्योंकि यहाँ पे के जी ए दिया तो यहाँ पे जीरो का सिग्निफिकेंस आ जाएगा। ओके क्या बोल रहे हैं सर? ऑप्शन ई में तो सर इसमें, इसमें इसकी यूनिट दी है तो यूनिट के हिसाब से नहीं, यूनिट से क्या, यूनिट इनिशियल से कोई मतलब नहीं, इनिशियल जीरो यूनिट दे ना दे, इंडिंग इंडिंग यहाँ तो कोई मसला ही नहीं है, इंडिंग जीरोस है और ये इंडिंग जीरोस आफ्टर डेसिमल आ रहा है, ये तो यूनिट नहीं भी रहता तो कोई मतलब नहीं, आफ्टर डेसिमल इंडिंग जीरोस ऑलवेज काउंट आफ्टर, भाई डेसिमल के, ये डेसिमल है ना उसकी, ये जीरोस काउंट नहीं होगा, ये आफ्टर डेसिमल है लेकिन अभी भी ये इनिशियल ही है क्योंकि नॉन जीरो नहीं आया उसमें, इसलिए वो जीरो काउंट नहीं होगा, लेकिन हाँ ये जीरो काउंट होगा, ये नहीं भी रहता तो भी ये जीरो काउंट होता बिकॉज द कम्स आफ्टर द डेसिमल, तो डेसिमल के बाद अगर कोई आएगा तो वो काउंट होगा, डेसिमल के बाद आ रहा है तो काउंट नहीं होगा, लेकिन वहां पर स्पेसिफिक एक यूनिट स्पेसिफाई कर दिया तब वो काउंट होगा। ओके डन, एंडिंग जीरो विदाउट डेसिमल है तो,
आफ्टर डेसिमल एंडिंग जीरो है तब तो काउंट होना ही होना है। जैसे मैं बोलूं 2 पॉइंट, यहां पे बोलूं 2 पॉइंट, मैं बोलूं बेटा 2.00, तो ये तो काउंट अब होना ही है, ये आफ्टर डेसिमल आ रहा है। हाँ मैं बोलूं 200, अब ये काउंट नहीं होगा, लेकिन मैं बोलूं 200 मीटर, अब ये काउंट होगा। डन? यस सर। क्या बोल रहे बेटा? बेटा आप क्या बोल रहे हो, मेरे को समझ में आया, तो क्लियर बोलिए जरा। किसी को समझ में आ रहा है क्या बोल रही हूँ, कोई बता सकता है? नहीं आ रही है, नेटवर्क इशू है, वॉइस लैग कर बेटा, समझ नहीं आ रहा। चैट में लिख दीजिए। चलिए यहाँ पर ये राउंडिंग ऑफ, लास्ट एक टॉपिक बता रहा हूँ, 10 मिनट मेरे पास बचा। राउंडिंग ऑफ, राउंडिंग ऑफ का मतलब क्या होता है? जैसे मैंने कहा ना कि भाई बहुत बड़ा डिजिट दिया हुआ है तो इतना बड़ा हम लिखते नहीं है, उसको हम क्या कर लेते हैं, राउंड ऑफ कर लेते हैं। हम कहते हैं चल भैया इसको राउंड ऑफ कर लो, इतना बड़ा प्रॉब्लम हमसे सॉल्व नहीं हो पाएगा, इतना बड़ा डिजिट नहीं लिखेंगे, 2.0001 होगा, यार दिमाग का खराब करो यार, इसको 2 मान लो। तो दैट इज द राउंडिंग ऑफ। तो पहला राउंडिंग ऑफ का रूल क्या है, इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड, दिस डिजिट को हटाना है, राउंड ऑफ करोगे तो हटाते जाओगे। मान लिया आप 2.13456 है, तो इस डिजिट को ड्रॉप करना, मैंने आपको शॉर्ट करना है, आप आगे तक आना है कि डेसिमल के बाद मेरा मिनिमम से मिनिमम वैल्यू है, इसी को बोलते हैं राउंड ऑफ। तो आपको राउंडिंग ऑफ करना है, और कह रहा है इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड, यानी जिस डिजिट को आपको ड्रॉप करना है इज लेस देन 5, यानी वो 5 से कम है, जिस डिजिट को ड्रॉप करना है वो 5 से कम है, ठीक है ना। पार्ट डी, डी में बेटा 1 होगा सिर्फ, इनिशियल जीरोस है ना ये, डी में ये जो है ना ये डेसिमल के बाद से मतलब नहीं है, ये तीनों इनिशियल जीरोस हो गए, और इनिशियल जीरोस आर नेवर सिग्निफिकेंट, डजंट मैटर इट इज आफ्टर डेसिमल और डेसिमल नहीं है। अगर ये 0.005 रहता तो भी नहीं काउंट होता, अगर ये 0.005 है तो भी नहीं काउंट होता, हाँ ये 5.00 होगा तब ये जीरो काउंट हो जाएगा आफ्टर एंडिंग डेसिमल। एंडिंग डेसिमल इनिशियल में कोई मसला नहीं, वो डेसिमल हो ना हो, अगर शुरुआत में जीरो दिया हुआ है चाहे कितना भी जीरोस हो वो सिग्निफिकेंट नहीं होगा। ओके अनुशिका, फिगर को कोई काम भी है, यूजेस नहीं ना, एक्यूरेसी की तरफ बता रहा ना, मोर एक्यूरेट, देखो ना मोर एक्यूरेट वैल्यू, जितने ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर होगा उतने ज्यादा एक्यूरेट वैल्यू, उतने आप एक्यूरेट की तरफ हो, उतने आप उस कैलकुलेशन पे कॉन्फिडेंट हो सकते हो कि हाँ ये कैलकुलेशन मेरा सही है, प्रिसाइज हाँ कह सकते हो। तो यहां पर क्या, इफ द डिजिट इज ड्रॉप, मैंने जिस डिजिट को हटाना है, इफ इट इज, इफ द डिजिट इज ड्रॉप इज लेस देन 5, जिस डिजिट को ड्रॉप करना है अगर वो 5 से कम है, देन प्रीसीडिंग डिजिट इज लेफ्ट अनचेंज, देन अगला डिजिट आपका चेंज नहीं होगा। जैसे एग्जांपल लेते हैं तो शायद ये क्लियर होगा, जैसे मैं बोलूं x इज इक्वल टू 7.82, मेरे को राउंड ऑफ करना है, राउंड ऑफ करने का मतलब मेरे को 2 हटाना है, अब 2 हटाना है तो 2 5 से कम है कि 5 से ज्यादा है, तो उसका जो प्रीसीडिंग, प्रीसीडिंग का मतलब उसका जिसको आपको उसके बगल वाला डिजिट, दैट इज द प्रीसीडिंग डिजिट, यानी दैट रिमेंस अनचेंज्ड, यानी अगर इसको राउंड ऑफ करोगे तो राउंड ऑफ, यानी ये अगर राउंड ऑफ करोगे तो राउंड ऑफ करके कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू 7.83 कर दोगे तो आप तो एक डेसिमल में आएंगे, समझ रहे हैं। जैसे मान लो और ले लो कुछ भी, a इज इक्वल टू 3.94, अब इसको राउंड ऑफ करोगे तो कितना हो जाएगा बेटा, 3.9, क्योंकि अगला डिजिट जो है वो आपका 5 से कम है, 5 से ज्यादा रहेगा तो फिर जो प्रीसीडिंग डिजिट है वो 1 से बढ़ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट यही है, इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज मोर देन 5, अगर जिस डिजिट को ड्रॉप करना है वो 5 से ज्यादा है, देन द प्रीसीडिंग डिजिट इज रेज्ड बाय 1, तब जो उसके बगल वाला डिजिट है ना, उसके जो प्रीसीडिंग डिजिट है वो 1 से इंक्रीज हो जाएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पर देख लेते, मान लीजिए आपको दिया x इज इक्वल टू 6.87, अब 7 को आपको ड्रॉप करना है, अब 7 को ड्रॉप करना है तो 7 5 से ज्यादा है, अब 5 से ज्यादा है तो इसको ड्रॉप करना होता है कितना हो जाएगा, 6.9। और कोई ले लेते हैं, जैसे x इज इक्वल टू 12.8, क्या ले लूं, 89 ले लेते हैं, अब ये ज्यादा है कि कम है, ज्यादा है तो कितना हो जाएगा, 12.9, x इज इक्वल टू मेरे को दिया है 4.995,
इसको कैसे राउंड ऑफ करोगे, सॉरी सिक्स फाइव फाइव पे तो भी आऊंगा, ये सिक्स हो गया, इसको राउंड ऑफ करोगे तो क्या होगा, एक बढ़ेगा तो जीरो होगा, फिर वो भी बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा ये फाइव, जो भी जितना भी लेके जाना है, अगर दो डिजिट में कहेगा तो 5.00 करोगे, एक डिजिट में कहेगा तो 5.0 करोगे, ठीक है समझ में, 5.0 ही ले लेता हूं मैं, तो कहेगा सामने वाले कितने डिजिट में आपको राउंड ऑफ करना है, आगे बात समझ में कि नहीं आई, yes, पांच से ज्यादा yes, एक बढ़ा, पांच से कम बगल वाला डिजिट वही का वही रहेगा। अब मसला आ गया पांच का, भाई अगर पांच हो तो क्या करना है, तो कह रहा है इफ द डिजिट इज ड्रॉप्ड फॉलोड बाई फाइव अदर देन जीरोस देन द प्रीसीडिंग डिजिट्स इज रेज्ड बाई वन, इसको समझिएगा, कह रहा है इफ डिजिट इज ड्रॉप्ड, इफ डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज फाइव फॉलोड बाई द डिजिट्स अदर देन जीरोस, माने आपको जो डिजिट्स को ड्रॉप करना है वो कितना रहेगा बेटा फाइव, मैंने करी है एक से टिक लगा दी थी, ठीक है ना, अब फाइव में वो रहेगा, ठीक है बेटा, बेटा माइक्रोफोन अनम्यूट कर लीजिए, माइक्रोफोन यहीं पे खाना वाना भी बना रहे हैं, चलिए बढ़िया बात है, कोई बात नहीं, मोबाइल है तो कहीं भी आप रख के कर सकते हो काम, बट माइक्रोफोन अनम्यूट रखिए, इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी, अदरवाइज यू कैन म्यूट योर माइक, अदरवाइज यहाँ पे नॉइज क्रिएट होगा तो देन योर लेक्चर विल बी डिस्टर्ब। अब यहाँ क्या कह रहा है बेटा, इफ द डिजिट इज टू बी ड्रॉप्ड इज फॉलोड बाई डिजिट अदर देन जीरोस, जैसे मान लो मैं ऐसे लिखता हूँ x इज इक्वल टू, अब यहाँ पर मैं लिखता हूँ x इज इक्वल टू 16.351, आपको इस 5 को ड्रॉप करना है, लेकिन 5 के बगल वाला जो डिजिट है फॉलोड बाई क्यों क्या है, जीरो है कि नहीं है, नहीं है, जीरो जीरो नहीं है ना, अदर देन जीरो है, फॉलोड बाई का मतलब ये 5 के बाद वाला जो नंबर है आपको ड्रॉप तो 5 करना है, मतलब 1 तो ठीक है, 5 को आपको ड्रॉप करना है, तो 5 को ड्रॉप करना है लेकिन 5 के बगल में जो दिया हुआ है वो 0 नहीं है, देन आपका क्या करा, प्रोसीडिंग डिजिट इज रेज्ड बाय 1, यानी इसको राउंड ऑफ करोगे तो कितना हो जाएगा बेटा 16.4, समझ आ रहा है कि नहीं समझ आ रहा है, आपको 5 को ड्रॉप करना है, 5 के बाद वाला देखो प्रीसीडिंग का पहले वाला और फॉलोड बाय का मतलब बाद वाला, तो बाद वाला अगर आपका 0 नहीं है तो आपको एक बढ़ा देना है, जैसे एक और ले लो कुछ और, कोई और एग्जांपल लो, कोई और लो, जैसे मैं लेता हूं x इज इक्वल टू 6.758, अब इसको राउंड ऑफ करोगे तो कितना होगा, 6.85 के बाद आपको हटाना 5 है, 8 को हटाना होता तो ऐसे ही 6 हो जाता, आपको कोई कहे कि भैया 5 को हटाओ तो 5 को हटाओगे तो 5 के पीछे वाला देखो वो 0 नहीं है, अदर देन जीरो है तो उसके प्रीसीडिंग डिजिट क्या हो जाएगी, एक से बढ़ जाएगी, ठीक है ना, नेक्स्ट कह रहा है सब क्या बोल रहे हो, किसी को डाउट है, समझ गया ना, नेक्स्ट कह रहा है इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप इज फाइव और फाइव फॉलोड बाई जीरो, अब जीरो आ गया फाइव के बाद, ठीक है ना, अब आपको क्या करना है कि आपको प्रीसीडिंग डिजिट देखना है, अगर प्रीसीडिंग डिजिट इवन है तो कोई चेंज नहीं होगा, जैसे इसको भी एग्जांपल से समझते हैं, आपको दिया x इज इक्वल टू 3.250, अब 5 के बाद 1 नहीं है, मतलब 0 नहीं है, 1 हो 2 हो 3 हो 4 हो तब तो एक बढ़ जाता, 5 के बाद 0 है, अब 5 के बाद 0 तो 5 का प्रीसीडिंग डिजिट देखो, तो प्रीसीडिंग डिजिट क्या है, ऑड है कि इवन है, इवन 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 क्या कह रहा है कि इवन रहेगा तो क्या, सॉरी यहां पे ऊपर लिखना चाहिए, अगर प्रीसीडिंग डिजिट इवन है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी इसको राउंड ऑफ करोगे तो कितना रहेगा बेटा 3.250, लेकिन यही अगर ऑड रहता तो ये काफी इंक्रीज कर देते, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको दिया होता x इज इक्वल टू 3.750 तो 5 के बाद तो 0 है, 5 के बाद कोई और डिजिट रहता तब कोई मसला नहीं, 5 के बाद 0 है, अब 5 के बगल में देखो दैट इज द ऑड, अब ऑड रहेगा तो क्या कर रहा है raised by 1, तो ये क्या हो जाएगा x is equal to 3.8, ओके क्लियर हो गया, समझ में आ गई बात कि नहीं है आप लोग, यस सर, यस सर, ये कहेगा सर मान लीजिए कोई कह सकता है आपके मन में सवाल आ सकता है कि सर मेरे को दिया हुआ है 6.315, अब 5 के बाद कुछ दिया ही नहीं है, ना 0 दिया है ना 1 दिया, कुछ नहीं दिया, अब यहां आप क्या करोगे, ठीक है बगल वाला 0 0 ही मानोगे ना, यस सर, यस सर, जीरो मानोगे तो फाइव आ गया, अब फाइव आ गया तो यहाँ बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा,
3.2 हो जाएगा ना, और 1 क्या इवन है, सॉरी 3.2, समझ गया ना। चलिए नेक्स्ट, अब इसको राउंड ऑफ करना बेहतर, 3 डिजिट। चलिए लास्ट क्वेश्चन करिए, उसके बाद छोड़िए। समझ में आ रहा है आप लोगों को कि नहीं आ रहा है? एक डाउट, ऑप्शनली बोलिए बेटा, डाउट बोलिए। सर एक क्वेश्चन था डायमेंशंस वेक्टर का, एक फ्लाई है कॉर्नर से जा रही है डायमेट्रिकली अपोजिट, इस पे बाद में बात करेंगे, इस पे अभी नहीं, अभी तो ये मेरे को अभी इस पे सैटरडे को वैसे भी मैं डाउट सेशन रख रहा हूं, यू कैन आस्क। ओके, अब यहां पे देख ली क्योंकि टाइम नहीं, मेरी 8:15 में अभी क्लास भी है बेटा, तो अभी जल्दी से ये खत्म कर देता हूं सो दैट ये कंप्लीट हो जाए मेरा। जैसे यहां देखो इसको 3 डिजिट्स में लेके जाना है तो कितना हो जाएगा, 2.5 के बाद क्या है, 3 नहीं है ना, 0 नहीं है ना, 1 से ज्यादा है, इसको 3 डिजिट में रखना है तो कितना हो जाएगा, 25.7। यस सर, 5 के बाद 3 है मतलब 0 के अलावा कोई नंबर है तो एक बढ़ जाएगा। बी नंबर में बोलो, इसको भी 3 डिजिट में रखना है तो कितना हो जाएगा, 5.00 हो जाएगा ना भाई, 4.96 है, 6 5 से ज्यादा, 5 से ज्यादा तो अगला डिजिट बढ़ेगा 10 हो जाएगा, फिर अगला डिजिट बढ़ेगा 0 हो जाएगा, तो एक और डिजिट बढ़ेगा तो 5.00 इंटू 10^3 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सी नंबर, इसको करना कितना होगा, 0.7 है, 5 के बाद 0 होगा, एक बढ़ जाएगी इवन है, बढ़ जाएगी, बढ़ते बढ़ते वो 7 तक हो जाएगी, 3 ही तक, फिर डी नंबर में करें 2 डिजिट तक, ये कितना हो जाएगा, 3.20 2 डिजिट तक ही रखना है, 3.4। देखिए 5 के बाद है 0 तो 5 के बगल वाला देखो तो इवन है, सॉरी ऑड है, ऑड है तो एक बढ़ जाएगी तो कितना हो जाएगी, 3.4। सही है ना, समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? यस यस सर। स्क्रीन में देखिए, इसको 3 डिजिट तक रखना है, 0.004 तो 7 है तो कितना हो जाएगा ये, 0.0 3 9 4 0 तो है ही, 3 डिजिट का मतलब इतना ही रहेगा, 0.04 सही है ना? यस सर। 7 है, 7 से बढ़ेगा ये एक, फिर ये एक बढ़ेगा 0.039, फिर ये बढ़ेगा, फिर ये बढ़ेगा। ठीक है, एफ नंबर देख लीजिए, एफ नंबर में कितने तक कह रहा है बेटा, 3 डिजिट तक, 3 डिजिट तक ये कितना हो जाएगा, 4.0 ये ठीक रहेगा ना? यस। 5 के बाद 0 है तो 5 के बगल वाला देखोगे, 5 के बगल वाला क्या रहेगा आपका, इवन है तो वही का वही रह जाएगा ना? यस सर। 5 के बाद 0 है, यहाँ 5 के बाद क्या है, 0 है कि नहीं? यहाँ 5 के बाद नहीं कुछ दिया तो 0 है, यहाँ पे नहीं कुछ दिया तो 0 है, अब 5 के पास बगल में 0 है, अब यहाँ पर क्या है बेटा, उसके बगल में क्या इवन है, इवन चेंज नहीं होगा तो 0.08 रह जाएगा, 3 डिजिट तक रखना है। समझ में आ गया बात? चलिए अब इसके आगे वाली बात नेक्स्ट क्लास में करेंगे। सर हाँ बोलिए। सी पार्ट में हमें 1 डिजिट से राउंड ऑफ करना है तो हम 0.1 लेंगे या 0.7? नहीं, 0 काउंट नहीं होगा, 0.7 ठीक है, यहाँ पे भी एक बढ़ जाएंगे हम लोग, 0 काउंट नहीं होगा, डेसिमल के बाद जो है ना राउंड ऑफ फिगर होगा। सी पार्ट में हाँ ठीक है, 0.1 नहीं होगा बेटा, 0.7 ही होगा, 1 डिजिट 0.7, 0 काउंट नहीं होगा वहां पे, यहाँ पर भी 0 काउंट, इनिशियल 0 0.1 है उसको काउंट नहीं करना, उसके बाद काउंट करना है। ठीक है? यस सर। यस सर, चलिए अब अगली क्लास में हम लोग मिलेंगे, मेरी क्लास भी अभी 8:15 पर। यस सर, थैंक यू। 4.08 किसमें बेटा, किसमें बोल लो, 4.0 हाँ सॉरी 4.08 4.08 ठीक है। चलिए तो फिर आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे इसके आगे, यहाँ तक मैं नोट्स भेज देता हूँ, यू कैन टेक इट, और वेक्टर का असाइनमेंट सीरियसली बनाइए क्योंकि सैटरडे को मैं डाउट सेशन लूंगा। चलिए बाय बाय ऑल ऑफ यू।